वेलकम बैक गाइज, फिर से आ चुका हूँ धमाकेदार गेमप्ले के साथ। ये पूरा में स्टार्ट हो चुका है। गुलाम जोका जोका तो आया है, पीओ सीक्वेंस भी बनने का चांस है, इसे मैं ट्राई कर सकता हूँ। नौका सिर बनने का भी चांस है, इनका चार या फिर इनका एक का इनका साथ मिलेगा तो पीओ सी बन सकता है। नौका सेट तो जोका देखे यहीं पे रहने देता हूँ। और पान का बादशाह, पान का पांच एक्स्ट्रा कार्ड है, चिली का एक का, इसे लेके मैं सीक्वेंस बना सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है। पहले मेरे को पीओ सीक्वेंस तैयार करना है। बैगम मिला है, अभी गुलाम या फिर एक का मिल जाने से पीओ सी बनने का चांस है। ये तो पहला डील है, इसमें मेरा 60 अगर पॉइंट हो जाएगा तो लास्ट तक जाना मुश्किल हो सकता है। देखता हूँ सब लोगों ने ड्रॉप किया है, ये तो खेल रहा है, पिछले बार कार्ड उठाया था, देखता हूँ इस बार क्या कार्ड फेंकेगा। पान का गुलाम या फिर पान का एक्का, इनका बैगम फेंका है, ये लेके फायदा नहीं होगा। मेरे को फिर से बैगम मिला है, पान का बैगम तो ऑलरेडी है, फिर से आ गया, उसको ही जाने दिया। पान का पांच और चिड़ी का तीन भी कम आ सकता है, क्योंकि तीन का सेट पांच का सेट बन सकता है। लास्ट में देखूंगा, अगर कार्ड नहीं मिलेगा तो कर सकता हूँ। इनका साथ मेरे को मिल चुका है, उठा के पांच छह सात पीओ सीक्वेंस में तैयार कर लिया। अभी पान का पांच को छोड़ देता हूँ, इनका तीन को अभी रहने देता हूँ। इनका तीन देके मैं तीन का सेट बना के मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। अभी सिर्फ एक कार्ड से, एक कार्ड मिल जाने से डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इसने तो पांच को उठा लिया। फिर से इनका साथ फेंका है, नहीं चाहिए पान का दस, अभी तो डिक्लेयर हो चुका है। दस गुलाम बैगम बैसा चार का सिक्वेंस बना लिया, चिड़ी का तीन देके मैं फिनिश किया हूँ। सिर्फ एक बंदा खेल रहा था, देखता हूँ उसका सिर्फ 10 पॉइंट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। अभी चलता हूँ नेक्स्ट डील की तरफ। इसमें पांच जोका जोका नहीं आया, लेकिन पीओ सीक्वेंस है, इसे भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। ये अगर ड्रॉप करेगा तो एक्का मिलने का चांस है। इनका एक्का बेगम बादशाह, पीओ सीक्वेंस और चिड़ी का एक्का मेरे को मिल चुका है। चिड़ी का एक्का बेगम बादशाह और एक मेरा पीओ सीक्वेंस तैयार हो गया। यहाँ पे नौ का सेट बनने का भी चांस है और बेगम का भी सेट बन सकता है। चिड़ी का दस जाने दिया, क्योंकि चिड़ी का गुलाम मिलेगा तो मेरा 400 का सीक्वेंस तो बन जाएगा। अभी नौ का सेट बना लिया, बेगम का सेट बनेगा या फिर हुकुम का बादशाह आ जाने से बादशाह का सीक्वेंस बना लूंगा। पान का साथ सिर्फ एक्स्ट्रा कार्ड है, हुकुम का बैगम नहीं चाहिए। देखता हूँ क्लोज डेक से पान का बैगम मेरे को मिल चुका है, अच्छा हुआ। यहाँ पे मैं बैगम का सेट तैयार हो गया, एक को फेंक दिया और बादशाह आएगा तो बादशाह का सीक्वेंस नहीं बनाऊंगा। नौ का सेट, बैगम का सेट और दो सीक्वेंस मेरा तैयार हो चुका है। चिड़ी का साथ लेके फायदा नहीं होने वाला है। देखता हूँ इन का आठ, इसे लेके ही क्या करूंगा, इसको ही जाने देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ एक कार्ड से, एक कार्ड मिल जाने से इस बार डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन इसने तो पत्ता उठा लिया। डिक्लेयर करेगा क्या, देखता हूँ क्या करता है। डिक्लेयर करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को चांस मिला है। डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा हुआ। इस बार मेरे को गुलाम मिला है, गुलाम देखे मैं सीक्वेंस बना लिया। अभी पान का सात एक्स्ट्रा कार्ड है, इसे देखे मैं फिनिश करता हूँ। इसमें मेरे साथ तीन लोग खेल रहा था और मैं इसे जल्दी ही डिक्लेयर किया हूँ। देखता हूँ कितना पॉइंट हो रहा है, किसी का भी ज्यादा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को बैक टू बैक चार बार कार्ड अच्छा नहीं मिला, मैंने ड्रॉप किया हूँ। तो फिर मेरा 80 पॉइंट हो चुका है और दो लोग आउट हो गया। इस बार गुलाम जोका जोका तो आया, साथ साथ पीओ सीक्वेंस भी है। हुकुम का एक्का बेगम बादशाह, पीओ सीक्वेंस हुकुम का सात आठ है, दस को पहले ही उठा लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं 400 का सीक्वेंस बना सकता हूँ। और नौ का सेट बनने का भी चांस है, पान का नौ, इनका नौ, चिड़ी का नौ और जोकर को 400 के साथ डाल देता हूँ। सात आठ नौ दस कर लिया, अभी भी एक जोकर एक्स्ट्रा है। पान का बादशाह, चिड़ी का आठ और चिड़ी का एक्का एक्स्ट्रा कार्ड है। इस बार तो चिड़ी का एक्का को फेंकना पड़ेगा, एक्का फेंकूंगा तो बादशाह मिलेगा तो बादशाह का सेट बना के डिक्लेयर कर सकता हूँ, या फिर चिड़ी का आठ के आसपास कार्ड मिलेगा तो फिर भी मैं डिक्लेयर कर लूंगा। लेकिन चिड़ी का एक्का मैंने फेंका था, इन्होंने तो उठा लिया। सिर्फ एक कार्ड चाहिए, डिक्लेयर मत करना। इस बार अगर डिक्लेयर नहीं किया, अच्छा हुआ बैगम फेंका है। बैगम मेरे को चाहिए था, बैगम मिल जाता तो मैं सीक्वेंस बना सकता था। ये ड्रॉप करेगा क्या, ड्रॉप करेगा तो सिर्फ एक लोग खेलेगा, ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं है, उसके पास 94 पॉइंट है। पान का दस, इसीलिए मैं दस का सेट बना सकता हूँ, लेकिन नहीं चाहिए। हुकुम का बैगम एक कम आ जाएगा, क्योंकि हुकुम का दस है, बैगम है और एक जोकर है और पान का बादशाह को जाने दिया। अभी भी एक कार्ड चाहिए, एक कार्ड मिलेगा तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। बादशाह फेंका है, बादशाह तो मैंने भी फेंका था। इनका दस, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनका दस को रहने देता हूँ, सेट बना लूंगा। गुलाम तो जोकर है तो फिर मैं बैगम को छोड़ता हूँ, दस का सेट बना लेता हूँ। अभी सिर्फ चिड़ी का आठ एक्स्ट्रा कार्ड है, ये तो डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। जितना टाइम जा रहा है, उन लोगों का सेट सीक्वेंस तैयार हो रहा है। देखता हूँ इस बार ये पान का आठ फेंका है, इस बार डिक्लेयर हो जाएगा। पान का आठ लेके आठ का सेट बना लेता हूँ, दस को हटा के 400 का सीक्वेंस बना लिया। अभी इनका दस एक्स्ट्रा कार्ड है, इसे देखे फिनिश करता हूँ। दो लोग खेल रहा था, उन लोगों के पास ड्रॉप देने का पॉइंट नहीं था, दोनों लोग आउट हो चुका है। अभी भी मेरे पास और एक ड्रॉप देने का पॉइंट है, फिर भी मैं इसे स्प्लिट करता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइज। गेम प्ले अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और किसी ने नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, टेक केयर।